खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने सांसदों से मांगी है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, भेजा गया है फॉर्म। सभी सांसदों से महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट मांगी गई है, पूछा गया है कितने घरों तक पहुंचे हैं। बीजेपी ने सभी सांसदों को दो पन्नों के नोटिस भी यहां पर दिए हैं और तीन फॉर्म भेजे हैं। सांसदों को अपनी लोकसभा में 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भेजनी है। सांसदों को अपनी लोकसभा में 1000 विशिष्ट लोगों की लिस्ट देनी है। इनमें पद्म पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, शिक्षक, चिकित्सक, शहीद परिवार के लोग शामिल है। हर एक कार्यकर्ता को डेली सुबह 20 और शाम को 20 यानी 40 लोगों से संपर्क करना होगा। मोदी सरकार के 9 साल के कामों के बारे में इन्हें बताकर उसकी एक बुकलेट भी देनी होगी। सांसदों को योग दिवस पर अपने क्षेत्र में 1000 से 2000 के बीच का कार्यक्रम करना है। पीएम मोदी 27 को सभी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो आप ये समझिए कि सभी सांसदों से अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग ली गई है और ये जिम्मेदारी भी दूसरी तरफ दे दी गई है कि जो अभी तक बड़ी उपलब्धियां रही है इन 9 सालों में मोदी सरकार की, वो जनता तक कैसे पहुंचानी है, टारगेट कितना है किसके पास, ये भी क्लियर कर दिया गया है। यानी एक तरफ सभी सांसदों से ये महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट मांग ली गई है तो दूसरी तरफ सभी सांसदों को दो पन्नों के नोट्स के साथ तीन फॉर्म भेज दिए गए हैं। यानी उनकी जो लोकसभा सीट है वहां पर 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट उन्हें भेजनी होगी। इस वक्त विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, एक तरफ रिपोर्ट मांग ली गई है उनके क्षेत्र को लेकर सभी सांसदों से, दूसरी तरफ सभी को जिम्मेदारी भी दे दी गई है कि ठीक है अभी तक आपने क्या किया वो तो बताइए ही, साथ ही अब आगे को लेकर जो तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचनी है या फिर अभी कितना लाभ मिला है, 9 सालों की बड़ी उपलब्धि क्या है, इनको लेकर भी जनता तक कैसे उन्हें पहुंचना होगा, कितने लोगों का टारगेट है, सब कुछ तय कर दिया गया। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो तमाम सांसद हैं बीजेपी के, उनके लिए ये जो परफॉर्मा जो पूरा जो लेटर है ये सबको भेज दिया गया है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इसमें भरेंगे। मतलब साफ है कि उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं, इसके साथ साथ 9 साल की उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ जनता में के बीच में गए हैं, कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी दी है, इसके साथ ही साथ कितने लोगों को उन्होंने अपने सांसदीय क्षेत्र में जो है लाभान्वित किया है, सांसदी का जो है सांसद निधि से क्या कुछ खर्च किया है, इन सब की डिटेल बकायदा लिखित जो है वो जमा करनी होगी। मतलब साफ है कि केवल बयानबाजी से कि हमने विकास के इतने काम किए हैं या केवल ये मौखिक रूप से बता देना कि हमने अपने अपने क्षेत्र में इतनी योजनाएं लाई हैं, इतनी रैलियां की हैं, इतने चौपाल लगाई हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तमाम जो भाजपा के सांसद हैं उनको इस पूरे फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और इसको जमा करना पड़ेगा और एक एक एक्टिविटी जो जो उन्होंने की है उन सब की प्रॉपर डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी डिटेल का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और थर्ड पार्टी जो जिससे सर्वे कराया जा रहा है बीजेपी के सांसदों का, वो ही इसका वेरिफिकेशन कराएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसद जो बीजेपी के हैं उन्होंने केवल लिखित में लिख दिया और कोई कार्य नहीं कराया या जनता के बीच में नहीं गए या तमाम जो कार्यक्रम पार्टी कहे गए थे उनमें उनकी सहभागिता नहीं रही, खुद जो है अपने इलाके में ना रहकर किसी और को भेज दिया। इन सब का पूरा फीडबैक जो है पार्टी आलाकमान को जाएगा। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी सांसद हैं वो केवल अपनी बात मौखिक रूप से कहकर नहीं बच सकते और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यह परफॉर्मर रिपोर्ट तय करेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलना है या नहीं मिलना है, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें बीजेपी आलाकमान को मिली हैं कि कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में तमाम जो पार्टी की जो योजनाएं थी या जो पार्टी की गतिविधियां थी, जो अभियान था, उनको आगे नहीं बढ़ाया, उसमें रुचि नहीं ली है या जो है ये सारी चीजें विशाल क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।